Hello students welcome back to our channel Agri Mantra changing the way of thinking मैं हूँ श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एक पोस्ट होती है असिस्टेंट जनरल मैनेजर जिसके बारे में आज हम लोग डि, डि, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वैसे तो एफ में जो है अलग अलग कैटेगरीज में पोस्ट होती है कैटेगरी वन टू थ्री लेकिन आज हम जिस पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर ये कैटेगरी वन की पोस्ट होती है इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है सारा कुछ डिटेल में जानेंगे उस के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है एफ जैसे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ने वर्क करना बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम जॉब होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर बीटेक एग्री इंजीनियरिंग बी बीटेक इन फ़ूड साइंस एंड फ़ूड टेक्नोलॉजी फ़ूड टेक्नोलॉजी फ़ूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फ़ूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी बी बी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इन इन डिग्रीज़ में से आपके पास कोई भी एक डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो है अगर आप ओ ओपन या फिर ई कैटेगरी से है तो आपके 55 परसेंट होने चाहिए डिग्री में 55 परसेंट जो है आपकी ओवरऑल डिग्री में चार साल की जो डिग्री मिलती है ना उसमें आपके मिनिमम 55 परसेंट मार्क्स होने चाहिए अगर आप एस सी कैटेगरी से है तो आपके 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए तो ये आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्लियर उसके बाद पे स्केल की बात करेंगे तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं एज एफ सी एजी तो आपकी सैलरी होती है अराउंड सिक्सटी थाउजेंड से लेके वन लैख एटी थाउजेंड पर मंथ इतनी इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बाद में कमेंट में पूछते हैं कि मैम लास्ट सेम के लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं तो इसमें जो है कोई भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी जॉब वैकेंसी का तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि लास्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं या फिर एक डेट दी जाती है पर्टिकुलर डेट होती है कि इस डेट से पहले आपका जो है एजुकेशन कम्प्लीट हुआ होना चाहिए तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग उसमें पढ़ के जान सकते हो कि लास्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते आई होप अब अभी आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू से होता है यानी कि टू स्टेप प्रोसेस है कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन क्राइटेरिया ऑफ फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन ऑनलाइन टेस्ट फॉर ई डब्ल्यू एस एंड ओपन कैटेगरी वाइल फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स फॉर ओ बी सी एस सी एस टी एंड फिज़िकली हैंडी के लिए तो अगर आप ओपन या फिर ई कैटेगरी से है तो आपको ऑनलाइन टेस्ट में फिफ्टी परसेंट मार्क्स लाना कंपलसरी है और अगर आप ओ बी सी एंड पी हैं है तो आपको 45 फाइव परसेंट मार्क्स लाना कंपलसरी है उसके बाद ही जो है आप इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई हो सकते हो वेटेज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू इज़ नाइन्टी परसेंट एंड टेन परसेंट रिस्पेक्टिवली तो आपका जो ओवरऑल जो रहता है ना मार्क्स उसमें नाइन्टी परसेंट आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम के और टेन परसेंट आपके इंटरव्यू के मार्क्स काउंट किए जाते हैं और रेशो ऑफ कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो इंटरव्यू के लिए आपके वन इज टू थ्री रेशो में जो है कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं फॉर इंटरव्यू उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो ये भी दो कैटेगरीज में है जनरल एप्टीट्यूड और रिलेवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन तो जनरल एप्टीट्यूड में आपके हैं रीजनिंग डाटा एनालिसिस एंड न्यूमरिकल एबिलिटी इसके आपके होते हैं थर्टी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के आपके थर्टी क्वेश्चन मैनेजमेंट एंड इथिक्स के थर्टी क्वेश्चन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर के आपके होते हैं थर्टी क्वेश्चन तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गए वन ट्वेंटी और रिलेवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन तो हमारे लिए जो हमारे लिए जो है वो एग्रीकल्चर के सिक्सटी क्वेश्चनस होते हैं तो ऐसे टोटल मिला मिला के आपके टोटल क्वेश्चन हो गए वन एटी टोटल मार्क्स हो गए वन एटी और टोटल टाइम जो है वन फिफ्टी मिनट्स यानी कि टू एंड हाफ आवर्स आप का आपको टाइम मिलता है टोटल क्वेश्चन वन एटी होते हैं और टोटल मार्क्स भी वन एटी होते हैं तो क्वेश्चन ऑफ जनरल एप्टीट्यूड जो है वो आपके एक सौ बीस है ठीक है ये जो चार जो है इसको आप काउंट करेंगे तो टोटल वन ट्वेंटी क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो हाफ मार्क के लिए एक होता है यानी कि जीरो पॉइंट फाइव मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है तो टोटल मिला के आपके इसके मार्क्स हो गए सिक्सटी मार्क्स तो आपका जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होता है सिक्सटी मार्क्स का और रिलीवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन की बात करेंगे तो सिक्सटी क्वेश्चन तो ये सिक्सटी क्वेश्चन आपके टू मार्क्स ईच होते हैं यानी कि दो मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है रिलीवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन का तो ऐसे मिला के आपके जो है टोटल मार्क्स हो जाते हैं वन एटी उसके बाद हम लोग देखेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए आप लोग ये सिलेबस देख सकते हो कि एग्रीकल्चर में क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी एंटोमोलॉजी केमिस्ट्री और ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस क्या क्या है तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा अगर हेल्पफुल लग रहा है थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो में कमेंट करिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आप लोगों को हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो